दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा रक्षित केंद्र में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों की वेशभूषा का निरीक्षण किया गया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों की गुजारिश भी सुनी गई एवं तत्कालिक तौर पर उनका निराकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों कर्मचारियों की वेशभूषा के निरीक्षण के बाद उत्तम वेशभूषा धारण करने वालों को पुरस्कृत किया एवं अधिकारियों कर्मचारियों की गुजारिश भी सुनी। साथ ही जिले में बेहतर पुलिसिंग के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी शाखाओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें कानून व्यवस्था स्थापित करने में उपयोगी भारी वाहनों के रखरखाव का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा रक्षित केंद्र दुर्ग स्थित आर्म शाखा का निरीक्षण भी किया गया एवं आर्म एम्युनेशन के रखरखाव एवं सुरक्षा के प्रति सजग एवं सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए। उसके बाद अन्य सभी विभागों के निरीक्षण के पश्चात सभी प्रभारी अधिकारी कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की गई तथा उनसे प्रश्न पूछे गए। रिकॉर्ड के संधारण को भी देखा गया। शाखा के साफ सफाई एवं रख रखाव को भी बारीकी से अवलोकन किया गया। शाखा प्रभारी तथा सहायक शाखा प्रभारी के अच्छे कार्यों को देखते हुए उत्साह वर्धन स्वरूप पुरस्कृत भी किया गया। में सारे गेस्टेड ऑफिसर, सारे थाना प्रभारी, 21 थाना और 4 चौकी के प्रभारी, सारे गेस्टेड ऑफिसर, रात में हम लोगों ने पूरे जिले के तमाम थाने और चौकी का गश्त किया। जो हमारा गश्त पॉइंट था वहाँ पे ब्रीफ किया गया। इससे जो पुलिस के अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, उनका मनोबल पे काफ़ी फर्क पड़ता है। हमें फीडबैक मिलता है कि गश्त में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और उनकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उससे भी हम रूबरू होते हैं। निश्चित रूप से इस पहल से जो दुर्ग पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनका मोटिवेशन बढ़ेगा और आने वाले समय में हम और अच्छा कर पाएंगे। सर, कर्मचारी से भी आप बात किए थे, क्या है? कर्मचारियों की जब मैं दिल्ली में आया तो कर्मचारियों की हमने लगातार हम रूबरू हो रहे हैं। पहली कर्मचारियों ने मांग साप्ताहिक अवकाश की थी। मुझे गर्व है कि दुर्ग पुलिस अकेली जिला है पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ पे अक्षरतः साप्ताहिक अवकाश फॉलो किया जा रहा है। दूसरी तकलीफ उनको ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके थी, तो हमने 250 कांस्टेबल्स का ट्रांसफर उनके च्वाइस के आधार पर किया है। उसके बाद उनकी आवास की कुछ समस्याएं थी, उसका भी निराकरण किया जा रहा है। निश्चित रूप से जब हम कांस्टेबल से लेके अधीनस्थ कर्मचारियों से बात, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सीनियर अधिकारी को बता पाते हैं, अपनापन आता है, जिससे कि उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और वो अपना 100% पुलिस फोर्स को दे पाते हैं। यही कारण है कि पुलिस फोर्स मोटिवेटेड है और पिछले 2 माह में हमने 100% मर्डर, 307, 376 का डिटेक्शन किया है और रिकॉर्ड टाइम में शांति बरकरार जो है। आज जो 6 मार्च जो निरीक्षण होता है पुलिस अधीक्षक का, वो आज किया गया। यहाँ पे कोच को देखा गया, जो आर्मोरी है उसको देखा गया, जो अपने कपड़े टेलरिंग यूनिट लाइन के अंदर जो मेडिकल यूनिट चल रहा है सभी को घूम के देखा गया और जो जरूरी दिशा निर्देश थे वो दिए गए। कोई कमी पाई गई सर? कमी तो नहीं पाई गई, लेकिन निश्चित रूप से एफिशिएंसी बढ़ाने के हमने कुछ डिसीजन लिया है कि पहले पुलिस बैंक में 3 लाख तक के ही लोन हम देते थे, लोगों की मांग के ऊपर दरबार में 5 लाख तक के लोन भी दिए जाएंगे और किसी को बहुत अत्यंत आवश्यक हो तो उससे ज्यादा भी दिया जाएगा। उक्त निरीक्षण के दौरान श्री रमेश चंद्रा रक्षित निरीक्षक जिला दुर्ग तथा उनके रक्षित केंद्र की टीम की पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा सराहना की गई। साथ ही विभिन्न शाखाओं में परिस्थिति अनुरूप कानून व्यवस्था संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं में कार्य किए जाने हेतु निर्देशित भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।